डैडी ने जिस घर को अरेंज किया उस घर में हम रहने के लिए आ गए। वैसे ये बंगला बहुत खूबसूरत है। शहर से थोड़ी दूर है ये बंगला। एग्जाम के समय डैडी ने जो अरेंज किया वो हम लोगों को बहुत पसंद आया। इस बंगले के बगल में एक पुराना घर भी है। मेरे साथ यहाँ अस्वती और नीतू भी हैं। वैसे मर्लिन को तो आप जानते होंगे डैडी, आप उसे टॉम कह के उसका मजाक उड़ाते थे, वही हमारी अभी लीडर है। बाद में नीतू, द रोमांटिक बर्ड, पिछले साल वेकेशन में हमारे घर आकर रुकी थी। अरे तुम कब हमारे बंगले को देखने के लिए आ रहे हो? तुमसे मिलने के लिए दिल बहुत कर रहा है। वैसे जब तुम्हारी मर्जी करे, लेकिन तब यहाँ आने का समय नहीं मिलेगा। ओके। अब अस्वती की बारी है। वो बहुत बेचारी लड़की है डैडी, हमेशा बस किताब पढ़ा करती है, थोड़ी कविताओं में पागल है। इस बंगले की जो देखरेख करते हैं और हमारे अन्नदाता महाराज जी, हमारे बेबी चाचा। मैं पहले साहब लोगों को खाना पका कर देता था। साहब लोग मेरे बनाए हुए खाने की बहुत तारीफ करते थे। मेरा बनाया हुआ खाना खाने के लिए वो अपना पेट खाली करते थे। साहब की बीवियों को बहुत खुशी होती थी ये सब देखकर। इतना पसंद से मेरे बनाए हुए खाने को साहब लोग खाते थे। ये लो बेटा, तुम भी ले लो। हाँ, खा लो, लो। Me all expect daddy for my birthday. Yours loving, पूजा। पूजा, खाना खाने के लिए आ जाओ। मैं आ रही हूँ बेबी चाचा। वो सफर स्टोन मिला क्या? पूजा का बेस्ट स्टोन सफर स्टोन है, उसका नीला कलर। मैं सोच रही थी उसके बर्थडे पे ब्लू सफर अंगूठी देने की। फर्स्ट, अबे तू पागल है क्या? ओरिजिनल सफर स्टोन की कीमत क्या है पता है? चाहे तो उसका दोस्त है गौतम, उसको खरीदने दो। अगर तुम बहुत जिद करोगी तो मैं अपनी अंगूठी उतार कर बेच दूंगा। जा रे कंजूस मारवाड़ी। अच्छा वैसे तुम्हारी सहेलियां कहां है? हाँ, वो पार्लर के अंदर। अच्छा, हाय पूजा। हाय। मैं सच बताता हूँ, नाउ यू पीपल लुक सिविलाइज्ड। अरे चुप रहो यार, तुम आ रहे हो ना? कहाँ पे? जस्ट अ ब्रेकआउट। सॉरी गर्ल्स, नाउ इट्स स्टडी टाइम। अरे खुल के बताओ ना, तुम जो चाहोगे सब मिलेगा। मुझे जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन अभी मुझे एग्जाम की तैयारी करनी है। फिर भी तुम मेरे बर्थडे में आना। नहीं, फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं। खाना खाने का मामला है ना, डोंट वरी, आई विल बी देयर। ओके। कहो तो मैं तीनों को अपनी बाइक पे ड्रॉप करूँ? अरे बाप रे, ऐसा करोगे तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। अरे ये तो बहुत खुशी वाली बात है ना। क्या बात है। बाय बेबी। बाय बाय बाय, बर्थडे पे मिलते हैं। ओके, मैं रात को फोन करूंगा। हाँ बाय।
पहले मुझे तू रुक जा कर रहे हो क्या हुआ चुप रहो कोई देख लेगा कोई तो नहीं देखेगा अरे विवेक छोड़ो प्लीज नहीं प्लीज इधर आओ छोड़ो अरे तुम कहाँ थी इतनी देर मैं ओ तो ये बात है यार। इसे यहीं रहने दो तुम लोगों को एक साथ ही मिल जाएगा और बेबी की भी हेल्प हो जाएगी बहुत ज्यादा लोग होंगे तो मैं थक जाऊंगा तो फिर मैं चलता हूँ अंकल ओके माय बॉय मैं कल सुबह निकल जाऊंगा बाद में मुलाकात okay, होगी आई गॉट इट मर्लिन पूजा बाय 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 सुनो हाँ तुम वहां पर बहुत मनमानी कर रहे थे यहाँ पे ये चीजें नहीं चलेगी ठीक है और किसी को कोई तकलीफ मत देना हे लुक एट दिस नाइस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मॉर्निंग अरे तुम्हारे डैडी कब गए अब तक तो बैंगलोर पहुंच गए होंगे बेबी चाचा एक चाय तुम्हारे डैडी को कुछ शक हुआ क्या मैं और विवेक जब एक साथ गए थे अरे उन्हें कहां से शक होने लगा तुम लोगों को साथ में देखकर अरे चुप रहो यार हाई स्कूल की पढ़ाई करके हम थोड़े ना ऐसे आए हैं क्यों पूजा अरे बस करो यार मेरे पिताजी को इन सब बातों में मत घसीटो अरे तुम्हारे कान की बाली कहां गई सोते वक्त गिर गई होगी ए एड़े इतनी देर तक तुम कहाँ थे डोंट कॉल मी एड़ा माय नेम इज नंदू अरे वो तो मुझे समझ में आ गया है लेकिन तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए थे नाउ यू फॉलो मी कम ऑन लड़कियाँ होती है ना तो इंग्लिश में बात करने लग जाता हूँ मैं पार्टी से पहले तो पहनी थी पता नहीं कहाँ गिर गई समझ में नहीं आ रहा है जाने दो तुम और विवेक जहाँ मस्ती कर रहे थे ना शायद उसी कमरे में गिरा हो कहाँ जाकर ढूंढू लीव इट जो हो गया सो हो गया तुम जानती हो वो बहुत कॉस्टली थी पूजा कहीं नहीं मिला मैंने यहाँ पूरा ढूंढ के देख लिया मर्लिन ने जो कहा वो ठीक होगा तुम और विवेक उस कमरे में गए थे ना तो वहीं गिरा होगा चलो हम चलकर ढूंढते हैं जो चीज जहाँ गुम हो गई है उसे वहीं जाकर ढूंढना पड़ेगा कहाँ थे तुम Thank you.
नहीं मालूम, मुझे पता नहीं कैसे अपने आप ये बल्ब जलने लग गया। मैं जब आया तो जल रहा था। बाहर है क्या? क्या हुआ? जरा मोटर ऑन कर दो, यहाँ नल में पानी नहीं आ रहा है। एक मिनट। इतना भी पता नहीं चला क्या? अरे नहीं यार, मैं उस दिन रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रहा था। हाँ। एक दिन मंगलवार की ट्रेन से उतरकर घर की ओर चल रहा था। रात को करीब 12:30 बज रहे होंगे, उसके आसपास किसी इंसान का आना जाना नहीं था, बिल्कुल सुनसान था। आप वहाँ थे ना? ए, चुप रह, पहले मेरी बात सुनो। अचानक से एक आवाज आई जैसे कोई मुझे बुला रहा है। तो वहाँ दो लोग होंगे ना? अरे पहले मेरी बात सुनना यार। मैं जैसे ही पहली बार सुना तो मुड़कर देखा, जब देखा तो वहाँ एक जींस पहनी हुई सुंदर सी लड़की थी। अरे सच्ची बहुत सुंदर सी थी, वो मुझे अपने पास बुला रही थी। पहले मैं थोड़ा हिचक रहा था, बाद में हिम्मत जुटा कर मैं उसके पास चला गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है, जैसे सुबह हुई तो वहाँ की सड़क पर मैं बेहोश पड़ा था, मेरी इज्जत लूट ली गई थी। बाद में मुझे पता चला कि वो लड़की वहाँ के कॉलेज में पढ़ने वाली मरी हुई लड़की थी। अरे बाप रे, अपनी स्टोरी बंद करो आप। वैसे भूत जीन्स पहनकर आपको बुला रही थी, बिल्कुल इतिहास की कहानी की तरह। अरे इतिहास नहीं, इतिहास। एक ही बात है चाचा, इतिहास या इतिहास होने दो। भाई साहब तुम मुझे माफ कर, बस मेरे अंदर का ख्वाहिश मैं बता रहा था। वैसे आप बहुत बातें करना चाहते हो, वो भी भूत के साथ। वो कौन है चाचा? अरे वो बगल का रहने वाला है, कभी कभी यहाँ आता रहता है। वैसे उसके चेहरे को देखने से मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो अब? Thank you.
अच्छा लग रहा है ना। सी दिस, हु इज दिस? ये मेरी आंटी है। पूजा ये देखो, ये मेरी आंटी है और ये आंटी की बेटी। अरे क्या हुआ तुम्हारे होटो पे, ये खून कैसा? इसको क्या हो गया? मैं तुम लोगों से सवाल करती हूँ, सही जवाब देना। अबाउट मैरिज, मैरिज मेड ऑफ थ्री विंग्स, जवाब दो। एंगेजमेंट रिंग? या गुड। देन? देन? देन वेडिंग रिंग? राइट। बट द थर्ड वन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, नहीं जानते? इट इज सफरिंग। शादी का मतलब ही सफरिंग है, सो दैट इज सफरिंग। शादी करते ही इंटरेस्ट कम हो जाता है। मेरे से तो नहीं होने वाला है ये सब। मुझे तो उड़ती चिड़िया की तरह जिंदगी जीनी है, लाइक अ फ्री बर्ड। एक्सक्यूज मी। हाय फ्री बर्ड, साथ में उड़े क्या? अब भी आती हूँ, जरा हाथ धो कराने दो। मर्लिन उस तरफ से आओ। क्या हुआ? वो लोग परेशान करेंगे, इस तरफ से आओ। चलो चलो। अकेले उड़ोगी तो कैसे चलेगा? कोयल कौवे के साथ नहीं उड़ती। तो कोयल कौवे के घोंसले में आकर अंडा तो दे सकती है ना? हेलो ब्रदर, हम सब स्टूडेंट्स हैं ना, बेकार में परेशान मत करो यार। मानना पड़ेगा, मर्द मतलब ऐसा ही होना चाहिए। ये अकेला है, इसे छोड़ दो ना यार। क्या बोला? देखो इस तरह परेशान करोगे तो बहुत मार खाओगे, चलो निकलो यहाँ से। हुदा एल आर यू? योर फादर्स फादर, नहीं समझे ना, तुम्हारे बाप का बाप। मारो इसे। एक्सक्यूज मी सर, थैंक यू।
डैडी ने कहा है डरने की कोई जरूरत नहीं। इस तरह वो बाहर चला जाता है और 4-5 दिन के बाद वापस आ जाता है। अरे उसका पर्स, उसका बैग सब यही है। कल शाम को मेरे साथ ही तो था वो। आप लोग चिंता मत करो, अब खाना खाओ। अरे कहीं गया होगा, आ जाएगा। अरे तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? मुझे भूख नहीं है। हे जाओ स्टूपिड इडियट मंकी, हम बहुत डर गए थे। हे कम ऑन। ये है गौतम नाम से जाना जाने वाला गुंडा और ये है, मैं बताता हूँ, मर्लिन। मर्लिन का मतलब टॉम बॉय। और ये है अस्वती द सैलेड कैट। और ये नीतू द रोमांटिक बर्ड। एम आई राइट? दैट इज कलर व्हाइट। चलो हम अंदर चलते हैं। आजो आजो सब। Why are looks grooming? ऐसा कुछ नहीं। ये तुम्हारा लास्ट सेमेस्टर है ना? मैं तुम्हारे डैडी से मिला था, एक हायर कॉन्फ्रेंस की मीटिंग के समय एयरपोर्ट पर मिले थे। मैंने और अंकल ने मिलकर फ्यूचर को लेकर बहुत सारी बातें की। कुछ भी कहो, हमारी शादी करने की बात भी कर रहे थे। एनीवे आई टोल्ड हिम आई एम डिस्पोजल। अरे हर मामले में तुम अपनी राय बताती हो। अभी क्या हुआ? तुम पिछली बार वाली पूजा नहीं हो, तुम एकदम चेंज हो गई हो। मेरे अंदर कोई चेंज नहीं आया गौतम, बस परीक्षा को लेकर थोड़ा टेंशन में हूँ। ओके, आई हैड टू पुश अप्स। होटल में एमडी वेट कर रहे हैं। आई विल बी बैक इन 1 वीक। बेबी चाचा, बेबी चाचा, बेबी चाचा, ये बेबी चाचा, बेबी चाचा कहाँ है? बेबी चाचा, बेबी चाचा, वो देखो, वो देखो, बेबी चाचा, बेबी चाचा, बेबी चाचा, बेबी चाचा। अरे बच्चे तुम लोग जाओ, ठीक से सोने भी नहीं देते। बेबी चाचा उठिए, हमारी बात सुनिए। जाओ, बेबी चाचा उठिए। तुम लोग यहाँ? अरे पूजा नहीं दिख रही है, कहाँ रही है? क्या हो रहा है बेबी चाचा, आपको जानते हो क्या? हे भगवान, वो जो जा रही है वो कौन है? देखो हे
इसके लिए एक साइकिल की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस। तो आपके बोलने का मतलब है कि वो सब मेरा भ्रम है क्या? ऐसा नहीं है, फिर भी एक हिसाब से ऐसे ही है। देखो, ये नया टहलने की जगह है और एक अनोखी कहानी और साथ में टेंशन भी है और गायब हुआ है नंदू। ये सभी बातें अनजाने में तुम्हारे दिल की गहराई तक पहुँच गई है। बाद में इससे कुछ खतरा हो सकता है, ऐसा एक भ्रम। तुमने अपनी आंखों में एक कहानी को बसा लिया है, साइकोलॉजी में इसे डिल्यूशन कहते हैं। तो सभी लोगों को एक ही चीजें दिखाई देना, सुनाई देना, ये कैसे हो सकता है? अरे एक ऑडिटोरियम में हजारों आदमी मौजूद होते हैं, जैसे हमारी आंखों के सामने हो रहा है। एक बच्ची को अगवा करना, जो भी दिखाई देता है वो उनके दिमाग में बस जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, वहाँ रख दो और मेरी पेटी को निकाल कर अंदर रख दो, गाड़ी को पार्क कर दो। ठीक है सर। हाँ, बेटा अगर तुम्हारी नींद में डिस्टर्बेंस हो रहा हो तो मैं तुम्हें एक दवाई लिख के देता हूँ, ओके? अरे क्या आदमी हो यार तुम, ये घर तुमने बच्चों की पढ़ाई करने के लिए अरेंज करके दिया है ना? यहाँ सिर्फ बच्चे ही नहीं, अगर ड्रैकुला भी आएगा तो वो भी डर जाएगा। अरे बाप रे, बचाओ बचाओ बचाओ! क्या हुआ, क्या हो गया? मैं जब यहाँ से गुजर रहा था तो ये यहाँ खून से लथपथ था, एक परछाई को भी यहाँ से भागते हुए देखा मैंने। पकड़ो इसे। आराम से। तुमने एक्स्ट्रा सेंसिटिव परसेप्शन के बारे में सुना है क्या? नहीं। दूर की चीजों को काबू करने के लिए, दूर से ही हम अपनी शक्ति का असर डालने के लिए टेलीकॉन्स या फिर साइकोकॉनेसिस ऐसा पुकारने वाला फिनोमिनल निरंतर रूप से प्रैक्टिस में या उसे कर पाने का एक तरीका है। इवन दो इट्स कॉन्ट्रोवर्शियल, कुछ बुजुर्गों के संभोग को लेकर ऐसा हो रहा है। उसे पता लगाने का या उसे आजमा कर देखने वाला कोई यहाँ आस पास ही है। Keep your indecent. मेरी बेटी की जो परेशानी है ना, I'm coming to that. इसे ठीक से टैकल करने वाला और ठीक करने वाला एक पैरासाइकोलॉजिस्ट कुछ 3 साल पहले मुझे एक मीटिंग में मिला था। I'll show you. See. देखिए, रिलैक्स रिलैक्स।
अरे ये जंजीर किस लिए? मैं इसे निकाल दूं क्या? बेकार में क्यों बांध दिए? मैं खोल देता हूं। लो निकाल दिया। आओ उठो। मेरे साथ चलोगे क्या? मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूं, मेरा भी कोई नहीं है। चलो मेरे साथ चलो। अब तुम पूरा एक महीना मेरे साथ रहोगे। चलो। हाँ चलो चलो आओ। चलो गाड़ी में चलो। स्वामी जी आप आ गए? स्वामी नहीं विष्णु। थोड़ी और इज्जत देनी हो तो विष्णु नारायण बुला सकते हैं। कैन आई कम इन? सॉरी प्लीज। थैंक यू। हाय वेणु। हेलो हाउ इज जेनी? वाज फाइन गुड कम। पूजा मुझे पहचाना क्या? दैट्स अ पर्सन। जब सवाल का जवाब दोगी तो उससे हम पहचानेंगे। इनसे बिना पूछे तुम्हें जवाब देना होगा। हाँ वैसे ये लोग भी नहीं जानते कि मैं कौन हूं। हाँ? विष्णु या डू यू सी एनी सीरियस प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नहीं है ऐसा तुम लोगों को तसल्ली देना गलत है, लेकिन प्रॉब्लम है। लेकिन वो यहाँ के रहने वालों की नहीं है। किसकी है? सवाल ये है। लेट्स वेट एंड सी। अरे आप बिंदास जाकर आओ। इनकी रक्षा करने के लिए मैं हूँ ना यहाँ। ओके देन आई विल सी यू। ओके 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 बाय। डॉक्टर साहब मेडिकल जर्नल में मल्टी पर्सनैलिटी के बारे में आपकी नज़र में फ्यूजन ऐसा बोलने वाला जो हाई प्रोफर डिजिल्यूजन मैकेनिज्म। ओके फिलहाल के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रभाकर सर के हाथों में है। उनके करीबी रिश्तेदार नाया सर की जगह थी। चार पांच साल पहले यहाँ कुछ खतरनाक घटना हुई थी, उसके बाद ये ऐसे ही खाली पड़ा था। उसके बाद यही बच्चे यहाँ पहली बार रहने के लिए आए। मुझे यहाँ आकर सिर्फ महीना भर हुआ है। मैं अच्छी खेती बाड़ी करके अपनी जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन प्रभाकर सर ही मुझे यहाँ लेकर आए हैं। सर मुझे और कुछ तो नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पूर्व दिशा में एक मंदिर है, वहाँ जाकर आप पूछ सकते हैं। उसके पश्चिम के दिशा में एक अकेला घर है, वहाँ रहने वाली जानू पहले इस घर में काम किया करती थी।
ज्यादा तम्बाकू मत खाया करो, सर घूमने लगेगा। तम्बाकू बहुत खतरनाक होता है। पता है जानू। क्या काम है? मुझे तो लगा चली गई। अगर ऐसा भी हो तो? पूछ कर जाने के लिए सोचा था। हैं? अच्छा तुम बंगले से आए हो? ये शैतान लोग जानू को सारा मामला बता देते हैं। और शैतान तुम्हारी सेवा करते हैं ना? सेवा तो बहुत करते हैं। बहुत होशियार हो। अब मैं बताती हूँ मामले से कैसे निपटना है, ये तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। ये शिवराम, बताती हूँ। उस बंगले में माधव एम्बियार और माधवी मालकिन का एक लौता बेटा है शिवराम। बंगले के आसपास बहुत कमरे हैं। अनंदन मालिक की बहू उर्मिला भी उनके साथ ही रहा करती थी। शिवराम भाई मैं भी खेलूंगी। हाँ आओ आओ, बहुत अच्छे से पकड़ना। हाँ पकड़ लिया ना? उर्मिला के माता पिता एक दुर्घटना में मारे गए। उसके बाद आनंदन मालिक ने ही उस बच्ची का पालन पोषण किया। बचपन में ही शिवराम उर्मिला को और उर्मिला शिवराम को पसंद करते थे। हंसते खेलते ही दोनों बड़े हो गए। जब शिवराम वहां नहीं था तब उर्मिला की शादी जबरदस्ती उसके माँ बाप ने कहीं और करवा दी, बिना उसकी मर्जी के, वो खुद गर्ज आनंदन ने। उसी रात को उर्मिला ने बंगले की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। और अपनी सुहाग रात के दिन ही उर्मिला मर गई। उसी रात उर्मिला के पति ने फांसी लगा ली। आप भूल कर बताएंगे तो आपकी सजा थोड़ी कम हो सकती है। मैंने बताया ना आपको, मैं कुछ नहीं जानता। ऐसा कैसा चलेगा? तुम पुलिस वाले हम लोगों को ऐसे पकड़ कर हैरेस करेंगे तो कैसे चलेगा? उसका बताओ मुझे। केस कोर्ट में कुछ दिनों तक चलता रहा। अंत में सारे गुनाह को आनंदन के सर पर डाल दिया गया। बाद में मैंने भी काम छोड़ दिया और माधवी मालकिन भी पिछले साल मर गए। उसके बाद सुनने में आया आनंदन तैमूर, काशी और हिमालय चला गया और शिवराम के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। उसके बाद दारू खत्म, कहानी खत्म। कल भी आना सर। और आते वक्त बड़ी बॉटल लाना। Thank you.
पूजा, पूजा, अब कैसा लग रहा है? How you feel now? डर लग रहा है। बहुत डर लग रहा है। I'll help you, okay? हाँ। पूजा, मेरे इन हाथों में रेखा है, उन पर फोकस करने की कोशिश करो। जो मैं पूछूंगा उसका सोच समझकर जवाब देना। सिर्फ मेरे हाथ को ध्यान से देखो। कम ऑन, कम ऑन। वैसे बेटी, तुम्हारी परेशानी क्या है? किसी ने मुझे अपने काबू में कर रखा है। आनंदन को जानती हो क्या? नहीं। तुम्हें जो काबू कर रहा है वो पुरुष है या स्त्री है? बोलो। मैं हूँ। तुम कौन हो? मैं उर्मिला। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। फिर तुम्हारा मकसद क्या है? सर्वनाश। उर्मिला, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो ना, किसी से बदला लेना ये तुम्हें शोभा नहीं देता। जब तक तुम लोग जिंदा हो ऐसी कहानी बोलते रहोगे। तुम्हारी दुनिया में सर्वनाश का बदला लेना गलत है। अच्छे कर्म करने से जो फल मिलता है वो भलाई के लिए ना। बुराई करने वालों को भलाई कैसे मिल सकती है? बुराई को मिटाना ही मेरा लक्ष्य है। बुराई को मिटाने के लिए ऊपर वाला अवतार लेता है। मैं कोई अवतार नहीं हूँ। मैं भी सभी लोगों की तरह एक साधारण सी लड़की थी। मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। मेरी जिंदगी को बचाकर, माँ बाप का साया देकर मुझे जिन्होंने पाला वो मेरे बुआ और फूफा थे। अरे वाह उर्मिला, अब तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मेरी बच्ची उर्मिला सुंदर सी लड़की है। आप चुप रहो। उनका एक बेटा भी था, शिवराम। शिवराम भैया, वो बचपन से ही बहुत शरारती और मिसबिहेवियर था। डर गई, डर गई। कुछ तो खा लो बेटा। मुझे नहीं चाहिए। चुपचाप खा ले। कहा ना मुझे नहीं चाहिए। बचपन से ही वो मुझे पागलों की तरह प्यार करता था, लेकिन उसके अंदर जानवरों सा बर्ताव था। अरे जय भैया, हाथ छोड़ो मेरा। भैया, जय भैया। शिवराम को देखकर मुझे थोड़ा डर लगता था। सूरत पर कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए, चाहे वो दिया हो या जवानी या फिर खूबसूरत लड़की। कुछ समझ में आया क्या? तुम डर क्यों रही हो? तुम्हें डर लग रहा है क्या? तो फिर प्यार है, बताओ। शिवराम, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ही है।
चाहे कुछ भी हो, प्यार का सिर्फ एक ही मायना होता है, वो खुदगर्ज है। बिना खुदगर्ज अगर प्यार हो तो वो मायने नहीं रखता। और उर्मिला, तुम मेरा स्वार्थ हो। स्वार्थ ही इंसान को क्रूर बनाता है, लेकिन तुम मुझे वैसा नहीं बनाओगी। हमारे बचपन की यादें तुम जानती हो ना, अगर मेरा खेल कोई बिगाड़े तो उसे छोड़ता नहीं मैं, उसका खात्मा कर देता हूं। जो चीज शिवराम की नजर में आ जाती है वो उसे हासिल कर ही लेता है। जिसे मैं चाहता हूं उसे कोई और चाहे, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। छोड़ो मुझे। तुम जानती हो ना, शिवराम जो भी बोलता है उन बातों में बहुत गंभीरता होती है। मेरी फूफा और मेरी बुआ खुद के बेटे से ही बहुत डरने लगे। जंग में जो लड़ता है और पढ़ाता है उन्हें मारना ही मेरा निजी शास्त्र है। कृपा करके मुझे ये करने पर मजबूर मत करो। अपनी पढ़ाई की डिग्री पूरी करने के बाद वो दूर मंद्र अष्टकर्मा की पढ़ाई करने लगा। दक्षिण के उज्जैन में किसी के आशीर्वाद को लेकर उस पढ़ाई को आजमा कर देखने वाला है, ऐसा मेरे मामा बोल रहे थे। भगवान ने मुझे इतना क्रूर बेटा दिया है, इसका मतलब किसी जन्म में मैंने किसी ब्राह्मण की हत्या की होगी, ऐसा ज्योतिष ने बताया है। ये सब हमारी बदकिस्मती है। मैं उसे किसी भी हाल में उससे शादी नहीं करने दूंगा। हमारे दूर के रिश्तेदार जयकृष्ण है ना, वो उर्मिला को बहुत पसंद करते हैं। वैसे उनका लंदन और दुबई में अच्छा कारोबार भी है। शिवराम के जेल से वापस आने से पहले उन दोनों की शादी हमें करवानी होगी। शादी के बाद मैं और जयकृष्ण कहीं दूर रहने लगे। हम दोनों साथ में बहुत खुश थे। थोड़ा सब्र कीजिए महाशय, मुझे और भी काम बाकी है। अभी मैं जा रही हूँ, आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। उसके बाद नहाकर अच्छे से तैयार होकर आऊंगी, ठीक है ना? तब तक मास्टर जी आप सब्र कीजिए। बदमाश। और वो सपना
टूट गया उस रात को। जबरदस्ती घी डाला गया है, अब और ज्वाला भड़क चुकी है। बदकिस्मती से मरने के लिए यहां आ गए तुम। मेरी पूजा की अग्नि में जो जल रही है वो ज्वाला, उसकी भूख मिटाने के लिए तुम्हें मेरे सामने खड़ा किया। अब तुम्हारी मौत तो निश्चित है। कर्मयोगी बनकर मेरे रास्ते पर खड़े हो तुम बेवकूफ इंसान। तुम्हारी हत्या ही मेरी आजादी है। सो यू डाई। देखो उर्मिला, रुक जा। तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। तुमने मुझे बताया नहीं। पास बताना। फिर किस लिए हमारे बीच में वो मुझे छोड़ दो। बाघम गुरुवे। शिवराम, जब से मैंने इस जगह पर कदम रखा है तब से तुम्हारे सारे कारनामे मेरे सामने आने लगे हैं। वैसे मेरे खिलाफ रहने वाली शक्ति हो सकती है, वैसे ही यहाँ की परिस्थितियों को मैंने अच्छी तरह पढ़ा है। सर्वनाश बदला लेने के बारे में आपने पढ़ाया नहीं। ये मेरे धर्म के खिलाफ है। वैसे आपने वेद पढ़ाया और अधर्म में ही पढ़ाया। ये मेरे धर्म में नहीं है। शिवराम, तुम जिस भगवान की पूजा करते हो उसे पहले रोक दो। ये कैसे हो सकता है गुरुजी? इस पार्थिव शरीर के लिए तो करना ही पड़ेगा। ऐसा आपने ही तो मुझे पढ़ाया है गुरुजी। तुमने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसे गलत जगह लगा रहे हो। इससे कर्म रास्ता भटक जाएगा। तुम आत्मा को बचाने का कार्य नहीं कर रहे हो, तुम सर्वनाश कर रहे हो। क्षमा करना गुरुजी, मैं आपके खिलाफ बोल रहा हूँ, आप गलत मत समझना। आप मुझे इस तरह बचाने पर क्यों उतरे हो? खुद के नाश के लिए जो मैं कार्य कर रहा हूँ, आत्महत्या। आत्महत्या तो पाप है, ऐसा पढ़ा है मैंने शास्त्र में। इस वजह से आप कृपा करके पीछे हट जाइए। हमारे मर जाने के बाद
तुम अपना रास्ता भूल जाओ। आपने जो रास्ता बताया उस रास्ते पर मैं सच्चे रास्ते को ढूंढ रहा था। आपने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते से अलग हो जाने के बाद उस कठिन रास्ते को मैं फिर देखने लगा। उसे ढूंढने से ही मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। अब मेरा जो रास्ता है वो सिर्फ मोक्ष है और वही मेरा लक्ष्य है। कौन से मोक्ष की तुम उम्मीद करते हो? उर्मिला से? ऐसा रहा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन जो अभी तुम यज्ञ कर रहे हो उसे रोक दो। अगर तुमने ये यज्ञ नहीं रोका तो इस संसार में तुम्हारी सहायता कोई नहीं कर सकता। कई साल तपस्या करके मैंने वरदान प्राप्त किए, उस वरदान को भूलकर मैं निपक्ष खड़ा हो जाऊं? हाँ? तुम अपनी मौत को और भी अपने करीब ला रहे हो। तुम्हारी ये हंसी और तपस्या, होने दो, मेरी बात पूरी होने दो। उर्मिला से मैं निपट लूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारी तपस्या में कोई बाधा नहीं होगी। जो खुद को तो बचा नहीं पा रहा, एक ऐसे कमजोर गुरु को मैं अपने सामने खड़ा देख रहा हूँ। नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसकी जो मौत है जरूरी है, मैं इस यज्ञ से अब पीछे नहीं हटूंगा। गर्भ में मरने वाले बच्चे की तरह ही उर्मिला भी इसी यज्ञ में मरेगी, उसे मरना ही पड़ेगा। इसके लिए जो तुमने सीखा है वो बहुत कम है। अपने आप को नष्ट करने के लिए तुम खुद दावत दे रहे हो। तुम्हारे सर के ऊपर जो मंडरा रहा है उस मौत को मैं अच्छे से देख रहा हूँ। गुरु को भी काबू में लाकर अपने मंत्र शक्ति से कामयाबी लाकर ये शिवराम दिखाएगा। इतनी हिम्मत है मेरे मंत्र शक्ति में, मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं अमर हूँ। मेरे शिष्यों में से बुराई के रास्ते में चलने वालों में से सिर्फ तुम हो। तुम्हारे इस तजुर्बे को मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। शिष्य, तुम्हारे लिए जो मैंने अपना वक्त बर्बाद किया है वो आज मैं झेल रहा हूँ। अभी से हमारे बीच गुरु शिष्य का नाता नहीं। मैंने उसी दिन अंकल से कहा था कि हमें ऐसे जगहों पर क्यों रहना है। This will make these brats independent. उस वक्त अंकल ने यही कहा था। अभी उस बारे में बात करके क्या फायदा? Anyway, it's really very scary. स्टीफन की इस तरह की कहानी की किताबों में पढ़ने के अलावा। पूजा के जगह पर कौन है? अंकल अरसुदी, बेचारे बहुत शॉक में है। उसकी मम्मी को अभी भी खबर नहीं। तुम चलो, तुम दोनों कमरे में चले जाओ। बताओ तो हुआ क्या? बाद में बताता हूँ। इन्हें क्या हुआ? ये क्या चीज है? किसी को वश में करने वाला ये एक ताबीज है। पश्चिम में रहने वाले कुछ आदिवासी समुदाय ऐसे ताबीज बनाते हैं। इसके ऊपर मुझे पहले से ही शक था, ये कुछ तो गलत काम कर रहा है। कई बार इसके ऊपर मुझे डाउट भी आ रहा है। शायद शिवराम की गुलामी करने वालों में से ही होगा, क्योंकि इसी तरह की एक ताबीज को शिवराम के हाथ में भी देखा गया है। शायद हो सकता है कि उसके घर में जाने का ये एक एंट्री पास हो।
क्या आप लोग जानते हैं कि शिवराम के अंदर एक शक्ति है जो बुराई के रास्ते पे चल रही है? क्या आप लोग जानते हैं शिवराम की अनोखी शक्ति में प्रभावित होने वाला ये क्या है? 3 बकरे को पालना, अपनी आंखों से किसी को भी रखकर बहुत होशियारी से उसका देखभाल करना। मैंने देखा है उस हर दिए में एक अजीब शक्ति है। उर्मिला का दिया, मानत्री का दिया, कायाकल्प का दिया, वो दिया जब तक जलता है तब तक शिवराम एक विजेता है। उसे पता चले बिना हमें उस दिए को हटाना होगा। अगर दिए को हटा देंगे तो क्या होगा? उसकी एक एक शक्ति को हमें नष्ट करना है, फिर बाद में वो खत्म हो जाएगा। कोई और रास्ता अपना सकते हैं क्या? उसी कार्य को मैं करने जा रहा हूँ। मैं अपने यज्ञ कुंड में 3 दिए रखूंगा बगैर जलाए, और वो शक्ति का आवाहन करूंगा। शिवराम के जगह पर जो एक एक दिया बुझेगा उसी वक्त मेरे जगह में एक एक दिया जलने लगेगा। तभी उसकी शक्ति अपने आप नष्ट होने लगेगी, तभी हमारे लिए उर्मिला को वहाँ से ढूंढ निकालना संभव होगा। मगर अंकल, ऐसा करेंगे कैसे? शिवराम के जगह पर हम जाए तो उन दियों को बुझाना संभव नहीं है क्या? यस, लेकिन वो तो नामुमकिन है बेटा। अगर उसकी नजर में आए तो मौत निश्चिंत है। विवेक, हम अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। मैं अंदर जाकर दिए को बुझाऊंगा, तुम यहीं पर रुकना। ये सब जरूरी है क्या? जरूरी है, कम से कम सबको बचाने की कोशिश तो करें। वासु नहीं दिख रहा है, मैंने दूध बनाकर टेबल पर रख दिया है, अभी तो अगले हफ्ते में आएगा। पूजा, ये क्या कर रही हो तुम? पूजा, पूजा, पूजा रुको, सुनो तो। Thank you.
कौन? अपने पिता को कैदी बनाकर अपने मंजिल पाना चाहता है। बहुत कठोर दिल वाला है शिवराम। जिस दिन शिवराम का जन्म हुआ था उस दिन सूर्य ग्रहण था। शिवराम अपनी खुद की परछाई देखकर डरता था। बाद में मेरे पिताजी से हम यहां से निकलेंगे कैसे? मैं तो मौत का इंतजार ही कर रहा हूं। उस बारे में मैंने अब तक सोचा भी नहीं। जो तीन दिए जल रहे हैं वही उसकी शक्ति है। इसे बुझाना होगा तभी उसकी शक्ति नष्ट होगी। फूंक मार कर नहीं बुझाना है, दाएं हाथ से उंगली को रखकर बुझाना होगा हमें। Thank you.
शिवराम जिस देवता की पूजा करता है वो दोनों देवताओं की मूर्तियां हैं। अब शिवराम के दो दिए बुझ गए हैं। दुष्ट शक्ति और पूजा पाठ का जो यज्ञ है वो वहां चल रहा है। उसका जो मंत्र है और उस मंत्र की ऊर्जा यहां पर इन दियों में अपने आप आ जाएगी। अभी उसका साथ दे रहा है ये कायाकल्प की शक्ति। उसका अंत होने से पहले हमें अपनी पूजा पूरी कर लेनी चाहिए। किसी भी तरह उन्हें बचा कर लाना है, नहीं तो एक और मौत का जिम्मेदार हम बन जाएंगे। तीसरा दिया, हे माँ दुर्गा माँ रक्षा करना हमारी। शिवराम को वो मार देगा, उससे पहले शिवराम बाहर आ जाओ, नहीं तो तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। नहीं विष्णु नारायण, मैं नहीं आऊंगा। एक इंसान का अंगूठा लेकर साजिश करने वाले एक द्रोही हो आप। मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, तुम्हारी मौत का बुलावा आने से पहले तुम बाहर आ जाओ। नहीं, शिवराम जी। खोलो खोलो
दरवाजा खोलो। शिवराम, शिवराम तुम डर रहे हो? खून का जो रंग है तुम उसे बहुत पसंद करते हो ना? डरो मत शिवराम, तुम तो एक योद्धा हो, हिम्मत वाले हो। शिवराम तुम्हें डरना शोभा नहीं देता, तुम्हें डरता हुआ देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। शिवराम डरो मत शिवराम, तुम्हें याद है शिवराम बचपन में हम एक खेल खेला करते थे, बंद कमरे से बचकर बाहर निकल जाते थे, वैसा ही खेल आज हम खेलेंगे। तुम्हारे पास बचने के लिए यहाँ भी एक दरवाजा है और अभी 12 बजने में एक मिनट बाकी है। 12 बजने से पहले अगर तुम इस कमरे से बचकर निकल गए तो इस खेल में मैं हार गई, नहीं तो समझो तुम हार गए। शिवराम टाइम शुरू हो गया। दस बार और ये बेल बजेगी, समझो तुम हार गए शिवराम। खोलो खोलो दरवाजा खोलो। मिला, तुम इसे छोड़कर जाओगी या नहीं? चाहती हूँ, चाहती हूँ, चाहती हूँ, चाहती हूँ। पूजा, डैडी अब कैसा लग रहा है बेटी? जैसे मैं किसी सपने से बाहर आई। मेरी प्यारी बच्ची आगे से ऐसा सपना मत देखना। ओ गॉड। तो फिर अब संभाल कर रहिएगा, मैं चलता हूँ। विष्णुनारायण। यस। मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। आनंद मेरे भाई, इस दुनिया में इस तरह की समस्या गोल गोल घूमती रहती है।
आप जैसी चीजें देखते हो वैसी चीजें बदल कर आपके सामने आ जाती है। अंकल? यस? अंकल, इसका क्या करना है? ये इसे तो मैं अपने पास ही रख लेता हूँ। तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना? संभाल कर रखिएगा अंकल, बहुत परेशान करने वाली चीज़ है। कुछ भी कहो, तुम लोगों के जैसा नहीं हूँ।